हाय दोस्तों, मैं हूं पायल गुड़ियाल। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बॉर ने 3 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ 15 लाख रुपए का कारोबार कर डाला है। इसी के साथ फिल्म ने 4 और बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर डाले हैं। चलिए बताते हैं आपको वॉर के इन 4 नए रिकॉर्ड्स के बारे में। नंबर 1, यशराज बैनर की लगातार 5वीं 100 करोड़ी फिल्म। वॉर ने जैसे ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, वैसे ही ये यशराज बैनर की लगातार 100 करोड़ का कारोबार करने वाली 5वीं फिल्म बन गई है। इससे पहले यशराज फिल्म धूम 3, सुल्तान, टाइगर जिंदा है और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने 100 करोड़ की कमाई की थी। नंबर 2, 3 दिनों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ऋतिक रोशन की फिल्म। ऋतिक रोशन हर बार अपनी फिल्मों के जरिए बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ डालते हैं, लेकिन उनकी किसी भी फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में 100 करोड़ का कारोबार नहीं किया था। वहीं अब वॉर उनकी ऐसी फिल्म बन गई है जिसने सिर्फ 3 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर डाला है। नंबर 3, 3 दिनों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टाइगर श्रॉफ की फिल्म। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी, लेकिन वो भी 3 दिनों में 100 करोड़ की कमाई करने में नाकामयाब रही थी। वॉर ने वो कमी पूरी कर दी है और 3 दिनों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म बन गई है। नंबर 4, सिद्धार्थ आनंद ने भी रचा इतिहास। टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन के अलावा सिद्धार्थ आनंद ने वॉर के जरिए इतिहास रच दिया है। अब वॉर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की भी 3 दिनों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। तो देखा आपने, वॉर ने हर रोज बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े कारनामे कर रही है। इस मामले में ऋतिक ने अपनी फिल्म क्रिश 3 और टाइगर ने अपनी फिल्म बागी 2 को भी मात दे डाली है। आपको बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म के बेहद ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आने वाले दिनों में ये फिल्म कौन सा बड़ा धमाका करती है। वैसे अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वॉर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।